थांबले आणि मला फोन करताय तुम्ही कसं काय दिसणार ते साहेब व्हिडिओमध्ये मी 10 वेळा सांगतो समोर त्याला जवळून बघून मला फोन करायचं तुम्ही थांबले कुठे फोन कुठे करताय काय झालं माहितीये का तू इकडून गेला असा आवा पण ते कुठून पण जाऊ द्या ना तुम्ही समोर त्याचं लक्ष तर द्या ना तू जातो कुठे तू काय उडून थोडी मारतो इथंच येऊन थांबलाय इथंच दिसलाय तो लाश आता त्याला लपवलाय ते कोबरा बरणी बरणी लागे बरणी तो आप देख सकते कि मुझे अभी कॉल आया और कॉल आने के बाद यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो पहले यहाँ पे मिला नहीं तो यहाँ पे जेसीबी मशीन लगाई है तो धीरे से ऊपर उसको हटा हटा के चेक किया तो हमको यहाँ पे स्पेक्टेकल कोबरा मिला इस बार काफ़ी खतरनाक है काफ़ी फुल साइज है बड़ा साइज है और हर बार आपको मैंने वीडियो में बताया सबसे जहरीला सांप इसके अंदर जो होता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है जब ये काट लेता है तो हमको सीधा पहले सरकारी हॉस्पिटल जाना है अगर ये नॉर्मली अगर काटता है तो 2 से 2.5 घंटे का हमारे पास वक्त होता है अगर ये प्रॉपर अगर ताकत से बाइट लेता है तो कम से कम 1.5-2 घंटे के अंदर हमको हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवाना है हर बार आपको वीडियो में बताता हूँ जो स्पेक्टेकल कोबरा ध्यान से देखिए काफ़ी शानदार और प्यारा सांप है लेकिन उतना खतरनाक भी आप देख सकते हो इसको हम लोग पहले साइड में लेके आएंगे फिर बाद में थोड़ा सा आपको इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ आप देख सकते हो स्पेक्टेकल कोबरा ये जितना सुंदर उतना खतरनाक है जब आपको बाइट लेता तो हर बार बोलता हूँ सीधा पहले सरकारी हॉस्पिटल जाना है अभी कुछ लोग बोलते हैं सरकारी हॉस्पिटल क्यों जाना है क्योंकि अगर सरकारी में ले जाएंगे तो आपको प्राइवेट में बहुत खर्चा आएगा 2 से 2.5 घंटे का 2 से 2.5 लाख रुपये आपका खर्चा हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक होता है इसकी एक बूंद से कम 20 से 22 लोगों की मौत हो सकती है इतना पावरफुल इसका न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है इसके अंदर आप देख सकते हो जितना शानदार है इतना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है ये स्पेक्टेकल कोबरा है ये अभी काफी घबरा रहा है बरनी ने क्या बरनी बरनी ने बैठना आप देख सकते हो कि किस तरह वो स्टैंडिंग पोज दे रहा है आपने वो डर रहा है काफी तो आप देख सकते हो ये स्पेक्टेकल कोबरा है और कुछ लोग बोलते हैं इसके ऊपर आंकड़ा बना ये बना ऐसा कुछ नहीं होता इसमें आंकड़ा वाकड़ा कुछ नहीं होता ये उसका हुड का निशान होता है और ये निशान का कुछ देना देना नहीं देखो अगर इसको जो डरेगा तो हर एक को वो काटेगा वो आप देख सकते हो कितना शानदार और प्यारा सांप है वो लोग इसको बेवजह डर कर मार देते हैं क्योंकि वो खुद कितना डरा हुआ है आप देख सकते हो
वैसा कोई भी जो बेजुबान जानवर है, जो सांप है, उसको मारना नहीं है, उसको मारना नहीं है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है। और मुझे काफ़ी चिल्ला के बात करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी हो गया है, लेकिन लोगों को ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं डर की वजह से उसको मार देते हैं, तो उसको मारना नहीं है। और दूसरी बात यह कि अभी नागपंचमी आ रही है, तो जब नागपंचमी आ रही तो नाग के सामने दूध लेके जाना नहीं है, क्योंकि कोई भी जो सांप है दूध नहीं पीता, दूध के साथ सांप का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान में रखो सब लोग। तो ये दूध नहीं पीता, ये सिर्फ जो है शुद्ध मांसाहारी है, और ये जब इसको कोई छेड़ेगा, इसके ऊपर किसी का पाँव आएगा, ये तभी काटता है, ये ऐसा किसी को काटता नहीं है, ये वजह किसी को काटता नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। और दूसरी बात सिर्फ एक और ध्यान में रखो, ये कोई सांप है, ये कोई नाग, ये किसी का बदला नहीं लेता, इसके कोई किसी की अपने आँखों में कोई फोटो नहीं दिखाता, बदला सिर्फ जो है वो इंसान लेता है, जानवर कोई बदला लेता नहीं, इसको इतनी बुद्धि नहीं है, इसका सिर्फ काम है खाना, प्रजनन करना और अपने आत्मरक्षा के लिए काटना, इसके अलावा इसको कुछ देना देना नहीं है किसी से, तो ये ध्यान में रखो, लेकिन इसको मारना नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण की रक्षा करता है और पर्यावरण में रहकर ये चूहों को खा के ख़त्म करता है, क्योंकि अभी तक लोगों को पता नहीं, चूहे जो है साल में 300 बच्चे देते हैं, तो उनकी आबादी ज़्यादा है, अगर ये चूहे को नहीं खाएंगे तो हमारा जो पर्यावरण का जो है बैलेंस वो खराब हो जाएगा, ये हमारा इको फ्रेंड है, तो इसको डरना नहीं है, ये काफ़ी फुल साइज़ है, पूरा तैयार है अभी, और मेरे हिसाब से शायद ये अभी तकरीबन 5 या 6 साल का होगा अभी। और कोई भी जो सांप है उसकी उम्र जो है वो 100 साल तक नहीं जीता, कोई भी सांप को बाल नहीं आते, ध्यान में रखो, इसके अंदर कोई नागमणि नहीं रहता, ये सब बकवास है, और कोई ये इच्छाधारी नहीं होता, ध्यान में रखो, ये डरेगा तो काटेगा, ये सब ध्यान में रखना है, तो किसी की बातों में आना नहीं है। तो आप एक बार देख लो अच्छी तरह से, ये नाग है कोबरा, स्पेक्टेकल कोबरा, इसके अंदर एक काला नाग भी आता है, एक काला नाग होता है, लेकिन वो नाग के पीछे कोई निशान नहीं होता, तो आप इसको देख सकते हो अच्छे से, वो खुद कितना डरा हुआ है, एक बार वापिस देख लो, आप एक बार देख सकते हो स्पेक्टेकल कोबरा, ये वो खुद कितना घबरा रहा है, अगर हमसे गलती होगी तो हमको भी वो काटेगा, ये ध्यान में रखो, ये मैं उसके सामने इसलिए हिला रहा हूँ ताकि उसका ध्यान जो है वो इसके ऊपर आए, अगर ये मैंने हिलाऊंगा तो वो मौका देख के मुझे भी काट लेगा, अगर हम लोग सांपों को बचाते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं काटता, वो हमारे पास कोई मंत्र वंतर नहीं रहता, हमारे पास खाली इसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर हमसे गलती होगी तो हमसे भी वो काटेगा, तो आप देखते हो स्पेक्टेकल कोबरा ये बहुत ही शानदार और प्यारा सांप है, तो अभी मैं इसको सही सलामत जो है बोरी में डालने की कोशिश करता हूँ, अरे भरनी नहीं क्या खाली भरनी, भरनी मगर खाली भरनी रहेगी तो देखो ना यार, इसके अंदर थोड़ा रिस्की रहता है वो डालना, इधर बाजू में देखो ना दुकान के पास, सागर आइडला असली निकला था।
इसको किस तरीके से हम लोग ने सही सलामत इसको रेस्क्यू किया, और हर एक का अपना अपना तरीका होता है स्नेक को रेस्क्यू करने का। कोई आते हैं हेड कैच करके पकड़ता है, कोई इसको कपड़े कॉटन की थैली में डाल के पकड़ता है, कोई बोरी में डाल के पकड़ता है, तो मैं जो उसको उसको जार में पकड़ता हूँ। हर एक का अपना अपना तरीका है, और जिसको जिस तरीके से सेफ लगता है उसी तरीके से उसको हैंडल करना है, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला मकसद रहता है कि पहले खुद सेफ होना, उसके बाद ये बेजुबान जानवर को सेफ करना और सामने वाले को सेफ रखना। तो इसलिए अपने अपने तरीके से अपना अपना काम करो, दूसरे की नकल मत करो। और जो हमारे जो आजकल के जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, जो नए सर की तरह लाइन में है, उनको एक हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उसके पास नहीं जाना और उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये काफ़ी घातक है। अच्छा अच्छा जो सर मित्र है उनका ऊपर का टिकट कट चुका है गलती की वजह से, तो इसके अंदर जो गलती है गलती को माफ़ी नहीं है। आपका इन्फॉर्मेशन है, 100% नॉलेज है, तो ये काम करो, नहीं तो मत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। एक बार देख लो, देख लो जिसको देख रहा है। एक बार एक थोड़ा सा बोलता है, एक मिनट सर साइड अशोक गुंडा थोड़ा सा तो आपने देखा किस तरह की हमने इसको सही सलामत रेस्क्यू किया है, और इसको न देर करते हुए हम लोग वन विभाग को इन्फॉर्मेशन देकर इसकी एंट्री करके इसको हम लोग नेचर में रिलीज कर देंगे। और दूसरी बात आपको बताता हूँ कि जिस तरह लोगों ने अभी थोड़ा सा पहले मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा था कोई, लेकिन बाद में उन्होंने काफ़ी मुझे कोऑपरेट किया, गोली ला के दी, चार ला के दिया। तो बस इसी तरह लोगों से गुजारिश है कि जब हम कहीं रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमको बहुत जल्दी अर्जेंट जाना पड़ता है, तो हमको थोड़ा सा कोऑपरेट करो। और एक बार आपको दिखा देता हूँ लोगों को, काफ़ी लोग यहाँ पे जमा है और लोगों का इससे डर भी काफ़ी दूर हो जाता है। बताया मैंने, बता दिया, आ जाओ वापिस सामने आ जाओ।